तो कैसे हैं सभी? उम्मीद आशा यही है कि फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे, बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी फिजिकल की जो डेट है वो रिलीज हो चुकी है एसएससी जीडी की, लेकिन मैंने लगाया था एक पोल लगाया था अपने चैनल पर, जिसमें मैंने पूछा था कि आपको किस जिले किस राज्य की कट ऑफ के बारे में जानना है। तो ज़्यादा जो मिला है ना वो एसएससी जीडी राजस्थान के लिए मिला है कि राजस्थान के लिए आप कट ऑफ का वीडियो लाइए, कितने पर आपकी फिजिकल के लिए कॉल होने वाला है। तो और ये ध्यान रहे ये केवल फिजिकल के लिए कट ऑफ है, राजस्थान एसएससी जीडी क्या रहेगी कट ऑफ और ये फिजिकल डेट जो रिलीज हुई है उसके बारे में भी बातें करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए मैं हमेशा लेकर आता रहूँगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने अगले पेज पर। तो अगला पेज यह है कि अब की बार जो फिजिकल है ना वो सीआरपीएफ करवाएगी। अब की बार क्या, वो जो फिजिकल है वो सीआरपीएफ के अंडर होगा। तो ये देखो जो है ना ये नोटिस होगा ये सीआरपीएफ की। देखो ये देखो, द पीटीएन पीएसटी इवेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2022 इन सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड सेपो एनएनसीबी फॉर क्वालिफाइड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट टेंटिवली शेड्यूल्ड फ्रॉम 15 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स। द ई एडमिट कार्ड फॉर पीएसटी स्टेज विल बी अपलोडेड ऑन सीआरपीएफ। ये देखो यहाँ पे देखो आप, अपलोडेड ऑन सीआरपीएफ वेबसाइट पे आएंगे अब की बार, ठीक है। टू इन ड्यू कोर्स कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट सीआरपीएफ वेबसाइट, ठीक है। अब अगर जो फिजिकल के एडमिट कार्ड होगा वो सीआरपीएफ की वेबसाइट के लिए इसमें बता रखा है। तो फिजिकल जो है 15 अप्रैल से आपके शुरू होने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए फिजिकल के लिए। तो अब बात करते हैं अपने अगला पेज है जो राजस्थान की एसएससी जीडी है, सॉरी राजस्थान के लिए जो कट ऑफ रहेगी एसएससी जीडी की वो क्या रहने वाली है, कितनी क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो चलते हैं, मैं मेल के लेके आया हूँ, फीमेल के लेके आऊँ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के साथ लेके आया हूँ, कितना रहा है कितना रह सकता है, तो आप दे पूरा देखना, ठीक है। यह है एसएससी जीडी राजस्थान की कट ऑफ, एसएससी जीडी राजस्थान की कट ऑफ राजस्थान, ठीक है। यह है एसएससी जीडी राजस्थान की कट ऑफ और ये फोर फिजिकल देख लेना। यहाँ पे मैं पहले बता रहा हूँ कि या वो फाइनल मेरिट समझ लो, फाइनल मेरिट में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि क्या रह सकता है। तो ये फोर फिजिकल है, ये केवल अपने जनरल ये प्रीवियस ईयर की है, ये ध्यान रखोगे प्रीवियस ईयर की है ये। और ये है आपके जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी एंड एक्स सर्विस मैन। तो जो ये है मेल कैंडिडेट्स का या फीमेल कैंडिडेट्स का, और जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ना वो मैंने लिखा नहीं, आप उसमें से 5 से 6 नंबर इसमें कम करके चलना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले राजस्थान वाले, ठीक है। तो पिछली बार जो मैंने हमेशा बताया कि 67% 67% ओबीसी और जनरल वाले को फिजिकल कॉल हुआ था, ईडब्ल्यूएस वालों को जो मेल की बात कर रहा हूँ है ना, ईडब्ल्यूएस वाले को हुआ था 59 पे, ईडब्ल्यूएस वालों को हुआ था 59 पे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों को 59 पे हो गया था, और जो अपना एससी का बंदा है उसको 60, और एसटी का यार ये देखो एक बार आप, एसटी वाला बंदा भरोसे में ना रहे कि कट ऑफ कम जाती है 65% में। मैं आपको पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, उसकी जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका भी मैंने लिंक कमेंट में पिन कर रखा है। तो एसटी की कट ऑफ ये देखो 65 है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपको पूरी पीडीएफ भेज दूंगा प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। एक्स सर्विस मैन तो फ्री में ही है, एक्स सर्विस मैन को तो 20% नंबर चाहिए, पिछली बार चाहिए थे और वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई था। और प्रीवियस ईयर जो महिलाओं के लिए वो जनरल वाली महिला 62 पर और ओबीसी 62 पर, और ईडब्ल्यूएस वाली महिला 54, एससी की महिला 52, और ये देखो एसटी की फिर महिला की कट ऑफ क्या गई है ऊपर गई है, एसटी की फिर महिला की कट ऑफ क्या गई है ऊपर गई है। तो ये तो हो गई प्रीवियस ईयर की बात, अब करते हैं अब की बार जो 2023 में कट ऑफ रह सकती है, कितने क्या कट ऑफ रहेगी अब की बार, तो शुरू करते हैं। तो ये बताते हैं आपको राजस्थान की अब की बार के कट ऑफ, ये देखिए ये जनरल ये 4 2023, ये देखिए ये जनरल 100 से 102, और फीमेल वाले जनरल 93 से 94। ध्यान रखोगे अगर आपके 100 से 102 बन रहे हैं और आप जनरल मेल है तो अब की बार आपको फिजिकल कॉल आना तय है। आप अपने भाई राजवीर की बात
सुन लीजिए गौर लगा के, आपको फिजिकल बिल्कुल आएगा, 100% फिजिकल कॉल आएगा अगर आपके 100 से 102 और महिला के 93 से 94 है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपके 100 से 102 नंबर है, वही देखो ओबीसी की और इसकी कट ऑफ सेम ही जाती है, माफ करूंगा, ओबीसी की और इसकी कट ऑफ क्या होती है, सेम ही जाती है। ये देखिए आपके सामने पूरा पर्चा खोल दिया है मैंने, ये 100 से 102 ओबीसी, 90 से 92 ईडब्ल्यूएस, 88 से 90 एससी और 94 से 96 एसटी और ईएक्स सर्विस में, लगभग 30 नंबर है ना उसके, 160 में से जाएगा वो, ठीक है, हाँ इतने जाएगा। पिछली बार अगर मान लो 20% था तो 20% बोल दो 32, अब की बार के 32 नंबर, लेकिन मैंने 2 नंबर फिर कम कर दिए। और जनरल फीमेल 93 से 94, ओबीसी 93 से 94, ईडब्ल्यूएस वाला 82 से 84, और जो एससी का बंदा है वो 78 से 79, सॉरी एससी की जो महिला है वो 78 से 79, एसटी की महिला 85 से 87 तक आपके फिजिकल कॉल 101% होगा। अगर फिजिकल कॉल ना होना इतने नंबर पर, तो राजवीर बोल रहा हूँ मैं, आप मेरा व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हो 9638372499। आप कभी भी इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कृपया कॉल ना करें, आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का, मैं आपके रिप्लाई का जवाब दूंगा, आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो अगर आपको ये कट ऑफ देखने को ना मिले तो आप कह देना, और बाकी जो फिजिकल है वो फिजिकल की लिस्ट जल्दी ही आने वाली है जो क्वालिफाई होंगे बंदे, तो आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। जय हिंद, नमस्कार प्यारे दोस्तों, तो चलते हैं इस वीडियो से विराम लेते हैं, ठीक है।